दिल्ली से सटे गुरुग्राम की सड़कों पर गौ रक्षकों और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गौ तस्कर कार छोड़कर भाग गए। हुआ यूं कि गौ रक्षकों को सूचना मिली थी कि एक काले रंग की स्कॉर्पियो कार में कुछ गौ तस्कर गायों को भरकर ले जा रहे हैं, जिसके बाद फरुख नगर इलाके में नाकेबंदी की गई, जिसमें एक स्कॉर्पियो कार भाग कर निकल गई। लगे हाथ गौ रक्षकों ने भी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूर तक पीछा होता देख गौ तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद गौ रक्षकों ने भी जवाब में फायरिंग की, जिसमें स्कॉर्पियो कार के टायर पंचर हो गए और गाड़ी सड़क पर लहराने लगी। कुछ देर बाद तस्कर केएमपी पर पाटली के पास कार छोड़कर अंधेरे में भाग गए और गौ रक्षकों ने जब गाड़ी का हाल देखा तो उनकी आंखें फटी रह गई। दरअसल स्कॉर्पियो में पीछे की सीट हटाकर तीन गायों को ठूंस ठूंस कर भर रखा था, साथ ही उनके मुंह को रस्सी से बुरी तरह बांधा गया था ताकि वे आवाज न कर सके। यही नहीं, तस्करों ने गाड़ी का नंबर भी वीआईपी रखा हुआ था और सबसे बड़ी बात, जिस स्कॉर्पियो में तस्करी की जा रही थी उस पर पुलिस का स्टिकर भी चिपकाया हुआ था ताकि किसी को शक न हो। वहीं जब पुलिस को मामले की जानकारी लगी तो वह भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, जिसमें पुलिस को स्कॉर्पियो के अंदर से बंदूक की गोली के खोखे भी बरामद हुए हैं। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि जो गौ रक्षक थे वो मोनू मानेसर की टीम के थे, जिस पर गौ तस्करों की हत्या का आरोप लगा था। फिलहाल तीनों गायों को गौशाला में भेजकर जांच शुरू कर दी गई है।